बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे और उसकी हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी। आज इसको आगे लेके चलेंगे और बाकी जो इसकी टाइप्स हैं उन पे भी कंक्लूड हम करेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ क्या होंगी? द फॉलोइंग आर ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़। इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टीज़ इफ़ इट इज़ नॉट रिजेक्टेड बाई द पार्टी हैविंग द राइट टू रिजेक्ट। यानी कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही रहेगा और बोथ पार्टीज़ अगर एग्री होती हैं कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेके चलना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं, तो जो वॉइडेबल जिसके पास राइट था वो उसको वॉइड करने का राइट यूज़ नहीं करता, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और दोनों पार्टीज़ उसको परफॉर्म कर सकती हैं। द लॉ गिव्स एन ऑप्शन टू वन ऑफ द पार्टीज़ टू अवॉइड इट। तो इसमें जिसके पास वॉइड एबल का ऑप्शन होता है उसी के पास ऑप्शन होता है कि वो वॉइड कर सके, दूसरे के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर वो चाहे तो उसको वॉइड कर दे, चाहे तो वैलिड कर दे। तो इसमें जो एग्रीव पार्टी होती है, यानी कि जिसको बाय फोर्स फ्री कंसेंट पे किया जाता है, यानी कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं होती, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको एनफोर्स किया जाता है और उसको क्वेश्चन के ज़रिए जो उसकी फ्री कंसेंट हासिल की जाती है, यानी कि कंसेंट तो होती है लेकिन फ्री नहीं होती, तो इसलिए उसके पास ये राइट होता है। थर्ड, द पार्टी एंटाइटल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट बाउंड टू कैंसिल। यानी कि जिसके पास ये राइट है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है और उस पर लाजिम नहीं कि वो उसको कैंसिल करे, उसकी मर्ज़ी है। इफ़ ही कन्फर्म्स इट द अदर पार्टी रिमेन्स बाउंड टू परफॉर्म इट। अगर वो पार्टी जिसके पास वॉइडेबल का ऑप्शन था वो उसको वैलिड कर दे, कन्फर्म कर दे, तो दूसरी पार्टी बाउंड रहेगी कि उसको परफॉर्म करे। चौथे नंबर पे, द एग्रीव पार्टी कैन गेट डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी। अगर एक पार्टी ने अपना जो ऑप्शन है वो पूरा कर लिया था, दूसरे ने नहीं किया, तो एग्रीव पार्टी ने अगर कुछ उसको दिया है तो उसको रिफंड या रिटर्न करना या जो उसको नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस दूसरी पार्टी फुलफिल करेगी। पाँचवें नंबर पे, इफ़ वन पार्टी हैज़ रिसीव्ड सम बेनिफिट ही मस्ट रिटर्न इट टू द अदर। एक पार्टी ने उससे फ़ायदा लिया दूसरी पार्टी से, तो जिसने फ़ायदा लिया वो उसको वापस रिटर्न करने का जो है वो बाउंड है, उस पर ये लाजिम है। अच्छा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल का ऑप्शन किसके पास होगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ लेज ऑन द प्लेंटिफ। जो केस को अदालत में लेके जाएगा वही उसको साबित करेगा। द एग्रीव पार्टी, इट मींस दैट द पार्टी हु क्लेम्स दैट हिज कंसेंट इज अनफ्री। जो कहेगा कि ये मेरी जो रजामंदी थी ये फ्री एंड फेयर नहीं थी, तो वही साबित करेगा। हैज़ टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ ही फेल्स टू प्रूव द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। अगर वो उसको कोर्ट में साबित नहीं कर सकता कि उसकी जो कॉन्सेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और उसको वो पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो हालात हैं वो अभी क्लियर नहीं है, अनफोर्सी है, यानी कि वो चीज़ें क्लियर नहीं है अभी तक, उनको सर्टन नहीं है, तो फिर ये भी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या ऑप्शन होगा? एन अनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज सम टेक्निकल डिफेक्ट्स सच एज अब्सेंस ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, रिक्वायर्ड स्टैम्प एट्सेट्रा, व्हेन दीज टेक्निकल डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। यानी कि अनफोर्सीएबल नहीं था बल्कि अनफोर्सेबल था, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फोर्स नहीं कर सकते उस दूसरी पार्टी को जब तक उसकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं होती, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या उसकी स्टैम्प वगैरह, साइन वगैरह, कोई जो इसके एनफोर्स करने के लिए जो लाजमी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इसकी एग्जांपल है, सी बारोज रुपीज़ 1 मिलियन फ्राम बी एंड मेक्स प्रोनोट ऑन रुपीज़ 10 स्टैम्प पेपर। कि सी ने उधार लिया बी से 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, और उसको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नोट कर लिया। इट इज़ अनएनफोर्सेबल बिकॉज द प्रोनोट इज़ अंडरवैल्यूड। कि जो जिस पे नोट किया गया ये स्टाम्प जो है, स्टैम्प पेपर जो था वो वैलिड नहीं था इतनी अमाउंट के लिए, इसके लिए बड़ा होना चाहिए था या जो उसके रिक्वायर्ड होना चाहिए था 100 रुपीज़ का, 500 का या जैसा भी, तो वो अगर उस कंडीशन को पूरा कर लेंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ इन एन अनफोर्सेबल
contract, the parties may perform the contract, but in case of breach of contract, the aggrieved party is not entitled to any legal remedies. कि जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों पार्टीज अगर सही तरीके से चलती हैं, उसको पूरा कर लेती हैं एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके ठीक है. अगर इसको कोई कहता है कि जी बाद में कि मुझे ये नुकसान हो गया, एग्रीव्ड पार्टी कहती है कि मैं इसको पूरा नहीं करना चाहता, तो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है उसका लाजमी नहीं है कि वो उसको जो चीज़ें लीगल रेमेडी वो क्लेम करे, क्योंकि वो तो एक अनएनफोर्सेबल था जो कॉन्ट्रैक्ट था. इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है इलीगल एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट किया गया वो लीगली सही था ही नहीं, जो चीज़ें उस पर कंडीशन लगाई गई वो उसकी कानून इजाज़त नहीं देता. एन एग्रीमेंट इज़ इलीगल व्हेन इट्स परफॉर्मेंस इज़ फॉरबिडन बाय एनी लॉ, कोई लॉ उसको मना करता है, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो इलीगल एग्रीमेंट होगा. सच एन एग्रीमेंट कैन नेवर बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का जो मुआहदा है वो कानून नहीं बन सकता या मुआहदा नहीं बन सकता प्रॉपर एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन एग्रीमेंट इज़ इलीगल एंड वॉइड इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और इज़ फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन अदर और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. सेक्शन 23 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि इस तरह का जो मुआहदा है वो उसको आप कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, यानी कि वो परमिट नहीं किया जा सकता, उसमें फ्रॉड का केस कोई इन्वॉल्व है या किसी को नुकसान पहुंचाने की एक मुआहदा किया गया है, तो इस तरह का जो मुआहदा है वो इलीगल होगा. इसकी एग्जांपल है सी गिव्स मनी टू बी एज ए स्मगलर, यानी कि सी जो है उसने बी को कुछ पैसे दिए जो कि स्मगलर है टू बाय स्मगल्ड गुड और उसको कहा कि वो स्मगल करे कुछ चीज़ें उसके लिए. द एग्रीमेंट इज़ इलीगल एंड द मनी कैन नॉट बी रिकवर्ड, और अगर बी उससे मुकर जाए कि मैं स्मगल नहीं करता और उससे पैसे भी ले ले तो सी उसको मजबूर नहीं कर सकता और सी यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी है और वो बी से रिकवर भी नहीं कर सकेगा. अगर अदालत में केस लेके जाएगा तो वो इलीगल है, इसलिए उसका केस ही नहीं हो सकेगा. ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज इसमें क्या है, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म देयर प्रोमिसज. इस तरह के इलीगल एग्रीमेंट में पार्टीज़ जो हैं वो मजबूर नहीं एक दूसरे को कह सकती कि वो पूरा करें. देर इज़ पनिशमेंट फॉर द पार्टीज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर इस तरह का केस जाएगा कोर्ट में तो दोनों को सज़ा होगी. इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं या काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन जो बनता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स, यानी कि एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप मुआहदा करते हैं, लिख के बात करते हैं और उसको प्रॉपर एक तरीके से बात की जाती है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज इन वन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन, दोनों शक्लों में हो सकता है, या तो बोल के कहा जाए जुबानी, दूसरा राइटिंग में कहा जाए. व्हेन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज़, जो उनके हकूक और फ़राइज़ हैं दोनों पार्टीज़ के उनको डिटरमिन करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं वो क्लियर होती हैं, एक्सप्रेस्ड होती हैं. इन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज़ डायरेक्टली स्टेट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज़ दोनों इन्वॉल्व होती हैं वो एक्सप्रेस करती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन को. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ए टेल्स ऑन टेलीफोन टू बी दैट ही वांट्स टू सेल हिज कार एंड बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही एग्रीज टू बाय द कार, इट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि ए जो है वो फ़ोन करता है बी से और बताता है कि मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूँ और बी जो है वो एग्री हो जाता है कि मैं ये आपकी गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, तो दोनों ने खुल के इस बात का इजहार कर दिया और बता दिया कि वो करना चाहता है और दूसरा एक ने ऑफ़र की, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा. दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्लाइड होता है, यानी कि जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते बोल के बल्कि खुद से ही लागू हो जाता है, कुछ कंडीशन या सूरत हाल ही ऐसी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाता है. एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स ऑफ स्पोकन और रिटन, इट अराइजेज फ्रॉम द एक्ट्स कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज एंड कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सरकमस्टेंसेज, यानी कि ये हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसमें दोनों ऑटोमेटिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बगैर बोले लिखे. इट
arises when one person, without being requested to do so, renders services under circumstances indicating that he expects to be paid for them, and the other person, knowing such circumstances, accepts the benefit of those services. यानी कि हालात कुछ ऐसे थे कि एक ने कुछ काम दूसरे के लिए कर दिया और उसके जो काम करने वाले की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसको इसके बदले में मुआवजा मिल जाएगा, और दूसरे जिसके लिए सर्विसेज दी गई वो उसको पे कर देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बी वेंट टू इन टू ए रेस्टोरेंट एंड हैड ए कप ऑफ टी, इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड बी मस्ट पे फॉर द कप ऑफ टी। यानी कि वो जाके बैठ जाता है और वो होटल भी या रेस्टोरेंट भी इस तरह है, सिर्फ चाय दी जाती है, तो वो जाके बैठ जाता है, उसको चाय सर्व कर दी जाती है, ना वो चाय को ऑर्डर देता है, ना दूसरा उसको आके कहता है कि आप चाय पियोगे नहीं पियोगे, रख के चला जाता है और वो चाय पी लेता है। तो इट्स मीन कि ये बोल के या लिख के कुछ कहा नहीं गया और ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा इसकी एग्जांपल है एम अशू शाइनर, यानी कि जूते पॉलिश करने वाला, स्टार्ट्स पॉलिशिंग द शू ऑफ डब्ल्यू इन हिज प्रेजेंस एंड डब्ल्यू अलाउज हिम टू डू सो, इट इज़ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। के एक कॉबलर के पास या जूते पॉलिश करने वाले के पास एम जाता है और डब्ल्यू जो है उसके वहाँ पे मौजूद रहता है। एम जो है वो जूते पॉलिश करने वाला है, डब्ल्यू जो है वो पर्सन है जो ऊपर से जाता है, और डब्ल्यू जो है उसकी मौजूदगी में उसके जूते पॉलिश करना शुरू कर देता है एम, यानी कि जो शू शाइनर है, और डब्ल्यू उसको इस चीज़ से मना नहीं करता। जब वो पॉलिश हो जाते हैं तो अब डब्ल्यू जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसको पे करे। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये है कासी कॉन्ट्रैक्ट। हालात कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अराइज़ हो जाता है और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के सामने मौजूद भी नहीं होती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें अक्सर क्वेश्चन भी आता है, तो आपने इसको गौर से सुना है। इन ए कासी कॉन्ट्रैक्ट द लॉ इम्पोजेज सर्टन ऑब्लिगेशन अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दैट अ पर्सन शैल not be allowed to get benefit at the cost of another. In fact, it is not a contract but creates relation similar to contract. It is also called constructive contract. यानी कि हालात कुछ ऐसे हुए कि दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपस में बाउंड होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो हालात कैसे होते हैं, लेट्स सपोज ये एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा क्लियर समझ सकते हैं। सी फाइंड द लॉस्ट गुड्स ऑफ बी, सी चल रहा था और बी की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी या गिर गई थी उससे, और सी उनको उठा लेता है। सी इज़ बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू बी। अब सी ये नहीं कह सकता कि मुझे रास्ते से मिली हैं तो मैं नहीं वापस करता, सी की ये ज़िम्मेदारी है और बाउंड है कि वो बी की चीज़ें वापस कर दे। तो ये कासी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जब चीज़ें गिरी उसने दूसरे को नहीं कहा था कि ये जब जो चीज़ मेरी उठाएगा उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे चीज़ें वापस करे। गिर गई कुदरती हुआ, उसको दूसरे कोई भी हो सकता है जिसको मिल गई, अब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको मिली हैं वो मजाज है, मजबूर है, पाबंद है कानून का कि वो जिसकी चीज़ें गिरी हैं उसको वो वापस करे। सी लीव्स हिज गुड्स एट बीज हाउस बाई मिस्टेक, सी गया बी के घर और वहाँ पे बटुआ भूल गया, चाबियाँ भूल गया या कुछ और कीमती चीज़, मोबाइल सेलफोन भूल आया। बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ऑन, अब बी जो है उनको अपनी चीज़ों के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है एंड इस्तेमाल करता है। इट इज़ कासी कॉन्ट्रैक्ट, बी इज़ बाउंड टू पे फॉर द गुड्स, और फिर बी जो बाउंड है कानूनन के वो उस चीज़ की या चीज़ वापस करे या उसकी कीमत वापस करे। अच्छा, तीसरी जो टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की वो है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड्स, यानी कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप पूरा कर देते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ द पार्टीज हैव कम्प्लीटली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इट मीन्स दैट नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय आइदर पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों ने अपना, एक ने भी पार्टी ने जो उसके ज़िम्मे था और लीगल ऑब्लिगेशन थी उसने भी पूरी की और दूसरे ने भी पूरी कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड है, यानी कि तकमील शुदा है। इसकी उर्दू में कहें तो एग्जांपल कैसे, बी बायस अ बुक फ्रॉम ए, ए डिलीवर्स द बुक टू बाय टू बी, पेज द प्राइस, इट इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बी ने बुक खरीदी ए से, ए ने किताब दे दी बी को, बी ने उसके बदले में कीमत उसकी पे कर दी, बस बात ख़त्म। उसने किताब देनी थी और उसने उसकी जगह पे करना था, दोनों ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी एग्जांपल, ए एग्रीज टू पेंट पिक्चर फॉर बी
for ₹2,000 when A paints the picture and B pays the price, the contract is said to be executed. यानी कि यहाँ पे भी जो दोनों parties हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, यानी कि A ने पेंट करना था किसी तस्वीर को B के लिए और उसके बदले में उसको 2,000 मिलना था, ये एग्रीमेंट था. दोनों ने, एक ने तस्वीर बना दी, दूसरे ने उसकी कीमत पे कर दी और तस्वीर ले ली और उसने तस्वीर डिलीवर कर दी सेफ एंड साउंड, ओके थी और एक्सेप्ट हो गई और इस तरीके से ये ऑर्डर, ये कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन्स टू बी डन, यानी अभी तकमील नहीं हुई, एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरे ने अभी करना है, उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. इन अदर वर्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपने एंड पे कुछ ना कुछ अभी तक काम करना है. इसकी एग्जांपल है, एम सेल्स हिज कार टू एन, एम जो है एन को अपनी गाड़ी बेचता है फॉर ₹2,00,000, एन हैज़ नॉट येट पेड द प्राइस टू द प्राइस एंड एम हैज़ नॉट डिलीवर द कार, यानी कि दोनों ने ना उसने अभी कार डिलीवर की ना उसने पेमेंट की, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम एंड एन इज़ एक्टिव एग्जीक्यूटरी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कहलाएगा. ए एग्रीज टू टीच बी इन मे एंड बी प्रोमिसज टू पे ₹800 टू ए, इट इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द प्रोमिसज आर नॉट येट टू बी परफॉर्म, कि ए ने कहा मैं बी को पढ़ाऊंगा मई के महीने में और बी ने कहा ठीक है आप पढ़ाएंगे तो मैं ₹800 आपको पे कर दूंगा. अब दोनों ने अभी, उसने पढ़ाना है मई में और उसने पे करना है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है. चौथे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू पार्टीज, पार्टीज़ के लिहाज से अकॉर्डिंग टू द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी कि एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल यूनिट से निकला है यानी कि एक तरफा. इन ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी इज बाउंड बट द अदर पार्टी चूजेज टू बी बाउंड बाई इट, यानी कि एक पार्टी मजबूर है और वो बाउंड है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे और दूसरी के पास ऑप्शन है कि वो इससे बाउंड होता है या नहीं होता. यानी कि इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए प्रोमिसज टू पे ₹1,000 टू एनी वन हु फाइंड हिज लॉस्ट बैग, ए जो है वो ऐलान करता है कि वो कोई भी उसका जो बैग गुम गया था वो लेके आएगा, वो उसको ₹1,000 पे कर देगा. बी फाइंड द बैग एंड रिटर्न इट टू ए, और जो बी को वो बैग मिल जाता है वो ए को वापस कर देता है. इट इज़ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स इट टू एग्जिस्टेंस व्हेन द बैग इज़ फाउंड, ये तब वजूद में आता है जब बी को बैग मिलता है और उसको वापस किया जाता है. दूसरी जो इसकी टाइप है वो है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर बाउंड बाई इट एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, जो ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं वो बाउंड हैं उसको पूरा करें. इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, इसमें जितनी भी पार्टी हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन अभी मीट करनी है. इसकी एग्जाम्पल देखें, सी प्रोमिसज टू पेंट द पिक्चर फॉर बी एंड बी प्रोमिसज टू पे ₹5,000 टू सी. सी ने वादा किया कि वो बी के लिए तस्वीर बनाएगा. अब बी ने कहा कि मेरे लिए जो पेंट आप करोगे इसके बदले में मैं आपको ₹5,000 दूंगा. इट इज़ ए बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों ने, उसने कहा कि मैं पेंट करूंगा आपके लिए पिक्चर और दूसरे ने कहा कि ठीक है अगर आप पेंट करते हैं तो मैं आपके लिए ₹5,000 पे करूंगा. दोनों ने इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों पार्टियों की रजामंदी थी, तो इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. तो टाइप्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट की ख़त्म हो जाती हैं. इजाज़त दीजिए, खुदा.